सो गाइस, ये एक रियलमी 32 इंची एलईडी स्मार्ट टीवी है। इसका प्रॉब्लम्स देखिए, इसमें पिक्चर्स जो आ रहा है आपका, देखिए कुछ ब्लू ज़्यादा कलर का हो गया, ब्लू कलर का हो गया, या फिर आपका नेगेटिव टाइप का आ रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट टाइप का पिक्चर्स आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम्स को आप कैसे सॉल्व करोगे, तो किसी भी टेक्नीशियन को विजिट करने से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देख ले, ताकि शायद आप खुद ही कर लो ये वीडियो देखने के बाद इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बना रहे मेरे साथ वीडियो में एंड तक। सबसे पहले रिमोट का मेनू बटन को प्रेस करना है, ये है रिमोट का मेनू बटन। इसे प्रेस करने के बाद आपको यहाँ से सेटिंग्स पे आना है। तो आपको जो गोल सर्किल दिया हुआ है, इसका राइट साइड पे प्रेस करके सेटिंग्स पे आना है। सेटिंग्स पे आने के बाद यहाँ से डिवाइस परफॉर्मेंस में आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ नीचे आ जाते हैं डिवाइस परफॉर्मेंस पे आने के बाद। तो यहाँ पे आने के बाद देखिए, यहाँ पर आपको पिक्चर्स एक ऑप्शन मिलेगा, तो पिक्चर ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ से मैं नीचे के पिक्चर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। पिक्चर को ओके करने के बाद यहाँ देखिए, उनका ब्राइटनेस को बिल्कुल जीरो करके रख दिया गया, उनका जो ब्लैक बैकलाइट ऐसे जीरो करके रख दिया गया, सॉल्यूशन को जीरो करके रख दिया, शार्पनेस को भी जीरो करके रख दिया गया। तो ऐसा होता है कभी कभार कस्टमर खुद ही छेड़छाड़ करके ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेते, या फिर किसी बच्चे ने कस्टमर के घर पे कर ले, शायद आपका भी साथ ये हो सकता है। सो फ्रेंड्स, इसको आप एडजस्ट कर ले, कलर सही ढंग से सेट कर ले, तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो नमस्कार, तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संजय, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक्निकल काउंसलर। दोस्तों, चैनल पर अगर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब कर रखा है, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करें। तो चलिए, तो देखते हैं इसका तो कलर कॉम्बिनेशन में सही करता हूँ। अब यहाँ से सॉल्यूशन के भी थोड़ा ज़्यादा करते ही देखिए, अपना कलर आ चुका है। तो ये प्रॉब्लम्स देखिए सॉल्व हो गया मेरा। तो इसी तरह से उटपटांग कंप्लेन हम लोग को ऑलवेज मिलते रहते हैं। तो ये जो कस्टमर की तरफ से क्रिएट किया गया कंप्लेन है, एक्चुअली ये कोई ओरिजिनली कोई कंप्लेन नहीं है, जो मैं कि इसको सॉल्व किया है अभी आपके सामने ही। तो अगर आपके साथ भी इस तरह से प्रॉब्लम हो, तो आप भी इस प्रॉब्लम्स को इसी तरह से सॉल्व कर सकते हो बड़ी आसानी से आपको रियलमी का रिमोट से। तो दोस्तों, रियलमी का रिमोट अगर परचेस करने के सोच रहे हैं, और अगर रिमोट के लिए आपको कुछ प्रॉब्लम्स रहे, कहीं नहीं मिल रहे, तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके बड़ी आसानी से रियलमी का रिमोट खरीद सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मेरा कलर अब बिल्कुल सही है। मिलते फिर से एक नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।